बहनों से हम लोग देखने को मिल रहा है कि राज्य सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कंट्रोल नहीं रहे, और एक के बाद एक अलग अलग जिला, चाहे कैमूर हो, चाहे जहानाबाद हो, चाहे गया का हादसा हो, चाहे नालंदा हो या मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, इसको लेकर के ऐसा लगता है कि सरकार ने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए और पूरी तरीके से जितने भी अपराधी तत्व के लोग थे उनको सरकार जो है संरक्षण देने का काम कर रही है। एक के बाद एक हादसे को लगातार दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और इतनी बड़ी घटना हो गई, लगभग 42 बच्चियों की बात थी यहाँ रहती थी, जिसमें कि 29 बच्चियों की जो है पीएमसीएच ने पुष्टि करने का काम किया है। आप लोगों को पता होगा इससे पहले भी लगातार हम लोग आवाज उठाते रहे हैं बच्चियों के न्याय के लिए, और एक बार जब पीएमसीएच की जब पुष्टि हो गई और उसके बाद अगले दिन से हम लोगों का विधानसभा सत्र शुरू हुआ, उसमें विधानसभा के कार्रवाई के दौरान भी हमारे महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस पार्टी, हम पार्टी और माले और राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया कि सबसे गंभीर मसला जो आज के दिनों जो बिहार में जिस प्रकार से 6 बच्चियों की मौत की भी बातें आ रही हैं सामने, कम से कम निष्पक्ष जांच होना चाहिए और सरकार को जवाबदेही देनी चाहिए, और मुख्यमंत्री के अंतर्गत क्योंकि होम डिपार्टमेंट आता है और मुख्यमंत्री ने अब तक इतनी घटनाएं हो गई हैं अलग अलग जिलों में हो गई है। आपको पता होगा एक दिल्ली में एक निर्भया रेप जो हुआ था, पूरा सिंहासन डोल गया था हिंदुस्तान का, और यहाँ तो समझिए कि 29 बच्चियों का शोषण हुआ, और ये तो सिर्फ मुजफ्फरपुर की बात, छपरा की भी बात अलग है, कैमूर की भी बात अलग है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की आज तक चुप्पी नहीं टूटी, चाहे सदन में बोलने से बचते निकले या जनता के प्रति कहीं भी बाहर जाते हैं तो कभी भी इन बिंदुओं पे उन्होंने चर्चा नहीं करने का काम किया। और जब राजनाथ सिंह जी, जब पार्लियामेंट में ये बात उठी, राजनाथ सिंह जी ने जब इन बातों को कहा कि सीबीआई जांच अगर राज्य सरकार रिकमेंड करेगी तो हम स्वीकृत करेंगे, तो राज्य सरकार को ऐसी क्या परेशानी है कि वो खुद को ही सक्षम समझते हैं और सीबीआई को रिकमेंड नहीं किया जा रहा, यानी कहीं ना कहीं से दाल में कुछ काला है, यानी जो मुख्य आरोपी जो भी लोग हैं इनका जो कनेक्शन है सीधे सीधे ये मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़ा हुआ है, उप मुख्यमंत्री के साथ जुड़ा हुआ है, और सरकार में कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो इस मामले में लिप्त पाए जाएंगे अगर निष्पक्ष जाँच होगी, तो कई बड़े बड़े अधिकारी जो है वो लिप्त पाए जाएंगे, और इसका तो अखबार का कॉपी हम लोग विधानसभा में भी देखते थे, करोड़ों करोड़ रुपया विज्ञापन का पीआरडी द्वारा लगातार दिया जाता रहा है, और हमारे कुछ सवालात हैं जो मुख्यमंत्री जी को और सरकार के लोगों को बताना चाहिए। आज हमारा जो डेलीगेशन है जिसमें कि हमारे अभिभावक सदानंद सिंह जी हैं, हमारे अभिभावक मांझी जी हैं, माले से हमारे साथी हैं और हमारे साथ सिद्दीकी जी हैं, पूरे पार्टी के लोग यहाँ हम लोग एकजुट हुए हैं ताकि कम से कम जगह देख ली जाए कि ऐसी जगहों पर किस प्रकार से ये काम चल रहा था जो कि एकदम उचित नहीं था, जो सरकार का गाइडलाइन भी है उसके भी खिलाफ विपरीत था, लेकिन इतने दिन से कार्रवाई चल रही थी और सरकार को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा, यानी नाक के नीचे सब कुछ चल रहा और एकदम आंखों में जैसे काला पट्टी जैसे बांधा जाता है उस प्रकार से सरकार ने बांधने का काम किया। ये हमारी आपकी बेटी होती, किसी मंत्री की बेटियों के साथ अगर ऐसा शोषण हुआ होता, क्योंकि वो अनाथ थी, लाचार थी, उस वजह से इस मामले को दबाया जा रहा। मान लीजिए किसी और की बेटियां होती तो क्या सीबीआई को रिकमेंड नहीं कर किया जाता, तो ये आखिर क्यों नहीं सीबीआई को ये लोग रिकमेंड करने का काम कर रहे हैं। हमारा कुछ सवाल है, जो 13-14 सवाल है जो आप लोगों के माध्यम से हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसका उत्तर मिले। मुख्यमंत्री बताएं कि 1-2 महीने के बावजूद भी मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया। पुलिस कह रही है कि वह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे, फिर भी क्यों नहीं उसका करा रिमांड लिया गया।
मुख्यमंत्री बताए अगर उनकी ब्रजेश ठाकुर जी से मिली भगत नहीं है तो क्या उनकी पुलिस ने सफेद पोशों से लिंकेज का जो एनालाइज जो है क्यों नहीं किया गया। नीतीश कुमार जी ब्रजेश ठाकुर के विगत एक साल की कॉल डिटेल सार्वजनिक कराए। मुख्यमंत्री बताए समाज कल्याण विभाग की एफआईआर में उसका और अन्य का नाम क्यों नहीं है। क्यों एफआईआर जो समाज कल्याण का पहली बार हुआ तब इनको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया या और अन्य लोगों को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। महीनों से नादान बच्चियों का बलात्कार हो रहा था, समाज कल्याण और पुलिस विभाग क्या कर रहा था। इतने दिनों से प्रशासन के नीचे ये काम चल रहा था, आप बताइए कि समाज कल्याण और पुलिस विभाग क्या कर रहा था। प्रशासन बताए कि किस भाजपाई केंद्र मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता और नीतीश कुमार की पार्टी के नेता अधिकारियों को फोन कर जांच प्रभावित करने का दबाव डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे। कई ऐसे केंद्र मंत्री हैं जो भाजपा के जो नेता हैं और जदयू के जो नेता हैं, लगातार यहां जो ईमानदारी से जो अधिकारी काम करना चाहता है, इन्वेस्टिगेट करना चाहता, उन अधिकारियों पे भी भारी दबाव है ताकि सही जांच ना हो पाए। और जब हर महीने न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी बालिका गृह का निरीक्षण करते थे, फिर भी महीनों से चला आ रहा यह महापाप उनकी पकड़ में क्यों नहीं आया। जब हर महीने जब न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या समाज कल्याण अधिकारी जब आ करके देखा करता था तो उसका रिपोर्ट कहाँ है, वो क्यों नहीं पकड़ पाया कि यहाँ कुछ इस तरह का काम पाया जाता है। और हमको तो जो जानकारी मिली है, कई लोगों ने बोला कि कई इसमें खुफिया रास्ते भी थे, आज तो हम लोगों को कुछ देखने को नहीं मिला क्योंकि वहाँ जो सील किया गया है और हम लोग इन्वेस्टिगेशन में बाधा नहीं बांधना चाहते। और कई लोगों ने ये भी बात बताई है कि यहाँ ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी पाए जाते थे जो अबॉर्शन के काम आया करते थे। बालिका गृह में आप बताइए ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंटल चीजों का आखिर क्या काम है। तो बच्चियों के आश्रय देने वाली ही जगह में अगर उनका बलात्कार होता रहेगा तो आप समझिए कि इन बच्चियों का और बिहार का क्या स्थिति होगा। और ये तो एक मामला सिर्फ आपका मुजफ्फरपुर में है, ऐसे कई और भी एनजीओस या इस तरह की काम। आरोपी जितने हैं उनके मोबाइल का फॉरेंसिक जांच हुआ है कि नहीं हुआ है अब तक। फॉरेंसिक जांच इसलिए क्योंकि डिलीटेड एसएमएस, व्हाट्सएप डाटा और अन्य जानकारी फॉरेंसिक लैब में अगर मोबाइल जाएगा तो उपलब्ध कराया जा सकता है। अब सरकार बताए कि अब तक ये फॉरेंसिक लैब में इन सभी लोगों का मोबाइल या ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें जो इक्विपमेंट अगर पाई गई होगी वहाँ तो उसको जब्त किया गया है कि नहीं किया गया और फॉरेंसिक लैब में भेजा गया कि नहीं भेजा गया। सीसीटीवी और डीवीआर को इमीडिएट सीज किया जाना चाहिए, उसमें भी कई जानकारियां मिल सकती हैं। अगर सीसीटीवी और डीवीआर अगर होगी तो वहाँ अब है कि नहीं है, निकाल लिया गया, ये तो जांच का विषय हो। ये तो जो वहाँ बच्चियाँ रहती थी अगर पूछताछ होगा या जो अधिकारी जो वहाँ जाया करते होंगे आया करते होंगे तो अपने रिपोर्ट में अगर वो होगा तो वो बताने का काम करेंगे। सभी आरोपियों के कॉन्टैक्ट से भी गहन पूछताछ होनी चाहिए, तो जितने आरोपी उनसे भी पूछताछ होना चाहिए। और हमको जो सूचना प्राप्त हुई है कि 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जी जब प्रचार के लिए यहाँ आए थे तो ब्रजेश ठाकुर जो हैं वो मंच का संचालन भी कर रहे थे, शायद उनके घर खाने पीने भी मुख्यमंत्री जी गए थे। और ब्रजेश ठाकुर जी को सभी लोगों ने सुशील मोदी जी के चैम्बर में कई एक बार विधानसभा में उठते बैठते खाते पीते देखा गया है। और उनकी जो अखबार है विधानसभा के भी चैम्बर में हर जगह, क्या अखबार का नाम है, प्रातः कमल अखबार, हर जगह उपलब्ध होता था। तो ये कहीं ना कहीं से जो इनका जो पॉलिटिकल कनेक्शन है वो मामले को दबाने का पूरा प्रयास कर रहा है। आप बताइए यहाँ चुन्नू ठाकुर जो थे हिरासत में, पुलिस हिरासत में, वो भाग जाता है तो क्या बिहार पुलिस सक्षम है इतनी बड़ी कांड को सही दिशा और जांच के लिए। हम लोगों की यही मांग है सब लोगों की कि सीबीआई की जांच हो और हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए। और इसमें
ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने आनंद फानन में कल डीजीपी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके नीतीश कुमार जी के दबाव में उनको ये बोलना पड़ा कि बिहार पुलिस सक्षम है और सीबीआई को हम लोग रिकमेंड नहीं करेंगे। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है जब भारत का गृह मंत्री जब खुद कह रहा है कि ये हमको अगर मिलेगा तो हम इसको स्वीकृत करके जांच कराएंगे ईमानदारी से, तो ये काम फिर वही हो रहा है। सांच में आज क्या इनको तुरंत से तुरंत इनको रिकमेंड करना चाहिए, इमीडिएटली करना चाहिए। अब हो सकता है कि थोड़ा दिन रखेंगे, सबूतों को मिटाएंगे, नष्ट करेंगे, जिस प्रकार से सृजन घोटाले में इन्होंने किया, एसआईटी का गठन कर दिया था, जो इन्वॉल्व अधिकारी था उसी को भेज दिया गया सारे डॉक्यूमेंट को नष्ट करने के लिए। तो ये जो संदेह हम लोगों को पहले से था कि सरकार जो है दबाने का काम कर रही है, ये कल डीजीपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये स्पष्ट हो गया कि दाल में कुछ काला है, इस वजह से सरकार जो है सीबीआई को रिकमेंड नहीं कर रही है। आखिर क्या परेशानी है? क्या नीतीश कुमार जी नहीं चाहते कि बच्चियों के साथ इंसाफ मिले? क्या नीतीश कुमार जी नहीं चाहते कि एकदम ईमानदारी से जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो? तो इसके लिए हम लोग सब लोग यहाँ विपक्ष के लोग गोलबंद हुए, और आप लोगों को पता है ये मामला बलात्कार का लगातार जो चलता रहा, जो मगध के इलाकों से, गया के इलाकों से, जहानाबाद के इलाकों से जो छेड़छाड़ होती रही, मुजफ्फरपुर की जब बात आई थी तभी हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम साइकिल मार्च गया से पटना करने का काम करेंगे। 28 तारीख को हम मार्च करेंगे और मार्च का नाम भी हमने दिया है एनडीए भगाओ बेटी बचाओ। और जब से डबल इंजन की सरकार आई है, जब से एक डेढ़ साल का अगर आंकड़ा आप देख ले, हमारा नहीं उन्हीं के वेबसाइट पे देख ले, तो अपराध में जो है काफी बढ़ोतरी हुई है एक साल के अंदर। लगातार खास तौर पे बच्चियों पर लगातार शोषण के मामले आ रहे हैं, जबरदस्ती के मामले आ रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं। यही मुख्यमंत्री कहा करते थे कि रात में भी महिला जो है बाहर निकल सकती है। आज क्या स्थिति है? गया में माता पिता के सामने बच्ची का गैंगरेप कर दिया गया। हाँ, ये स्थिति आ गई है। इसलिए हम लोग पूरे विपक्ष के लोग इसमें गंभीर हैं, और बिहार का जो बदनामी जो हो रही है पूरे देश भर में, जो शमशार जो बिहार हो रहा है, आज जिस प्रकार से अपराधी बेलगाम हो गए हैं, और जब गवर्नर साहब ये कह देते हैं कि थाने में मत फोन करो, हमको फोन करो 2 बजे रात में, यानी स्पष्ट है कि बिहार में कोई सरकार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। और इतिहास में कभी भी गवर्नर साहब ने जो भी रहे आज तक ऐसी बयान नहीं दिए, यानी गवर्नर साहब भी इस बात को मानते हैं कि कानून जो है एकदम कोई काम नहीं कर रहा, सरकार कोई नाम की चीज नहीं रह गई, अब गवर्नर साहब को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। जो बात मुख्यमंत्री को कहनी चाहिए वो बात गवर्नर कह रहे हैं, तो ऐसी सरकार का क्या फायदा? और नीतीश जी की अंतरात्मा कब जागेगी? नैतिकता के आधार पर कब इस्तीफा देंगे? होम डिपार्टमेंट उनके पास से फेल हो चुके हैं, उनको तो इमीडिएटली कम से कम नैतिकता के आधार पर उनको रिजाइन दे देना चाहिए। इसलिए हम ज्यादा समय ना लेकर के हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे अभिभावक जीतन राम मांझी जी भी हैं, ये भी अपनी बातों को रखिए, फिर सदानंद सिंह जी अपनी बातों को आप लोगों के सामने, महबूब साहब और महबूब साहब एक मिनट आप बोलिए, फिर बात पहले बोल लेंगे। अच्छा मांझी जी पहले बोलो, ये बात सही है, नेता प्रतिपक्ष ने सारी बात बताने का काम आप लोगों को, और हम लोगों ने यह आवश्यकता समझी कि जब बिहार सरकार अब यह आमादा हो गई है कि हम इस कांड को जो मुजफ्फरपुर में अल्पवास गृह में घटी घटना उसकी जांच सीबीआई से नहीं कराने की, तो हम लोगों को लगा कि अब इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है कि हम लोग स्थल पर जा करके और वस्तु स्थिति को देखें और फिर विधानसभा से बाहर एक माहौल बनावें ताकि ये बात भी हो जाए कि बिहार सरकार सीबीआई से जांच कराए। अब इसके लिए हमने भी मांग किया है, और आज जैसा हमको पता चला है कि बिहार सरकार को तो लगता है कि ये लोग सीबीआई जांच नहीं कराने का आदेश देंगे, तो माननीय न्यायालय से हमारा अपील है, माननीय न्यायालय सो मोटो संज्ञान लेकर के बहुत सा ऐसा केस में सीबीआई जांच का निर्देश सरकार को देती रही है, वो
तो आज भी हमको मालूम हुआ है, यहाँ से दो दिन पहले भी हम इस बात की चर्चा किया था, तो सुना है कि संज्ञान शायद हाई कोर्ट ने ली है और अपने मॉनिटरिंग में, अपने पर्यवेक्षण में सीबीआई जांच करावे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये मामला के संबंध में हम लोगों का अपना ज्वाइंट एक व्यू है। एक चीज इन्वेस्टिगेशन के संबंध में हम कहना चाहते हैं कि सरकार और यहाँ के तंत्र में एक मिली भगत है, जिसकी व्याख्या हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया, और एक अभी आया है 31 मई को, एक महीना सवा महीना लगाने का क्या उचित है। और दूसरी बात, सरकार ने भी आदेश दिया है 25 मई को कि आप FIR करो, लेकिन FIR हुआ है 31 को। इन बिटवीन जितना भी वहाँ साक्ष के चीज रहे होंगे सबको इन्होंने मिटाने का काम किया है। और ठीक नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर वहाँ CCTV कैमरा रहा होगा तो उसको खंगाला जाए। हम उससे आगे कहते हैं, हमको मालूम हुआ है कि मेन सड़क से जब गली में हम लोग निकलते हैं जाते हैं तो हर घर में CCTV कैमरा लगा हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ सबूत मिटा दिए होंगे तो जितना घर चार घर पड़ता है, हाँ न लगाया होगा, लेकिन वो जो घर वाले लोग लगाए होंगे निश्चित रूप में वो गली में क्या चहलकदमी होती रही है उसका रिपोर्ट वहाँ पर होगा। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि एक टर्म कंडीशन ये भी रहे कि उस गली में जितना CCTV कैमरा लगा हुआ है प्रत्येक घर में उसको खंगाला जाए। तो हम समझते हैं कि ये बातें सामने आ जा सकती है। और ये बात सही है कि सिर्फ मुजफ्फरपुर की घटना रहे तो अलग बात है, जिस इंस्टीट्यूशन ने इस पर प्रतिवेदन दिया वो दरभंगा में, भागलपुर में और सब जगहों में, अल्पवास में और बालिका गृह में इस प्रकार की बात की पुष्टि की है। हमारा कहना है कि नीतीश कुमार जी सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बाहर कैसे चमके इसमें लगे हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ का विकास से उनको कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए चाहे अनेक प्रकार की योजनाओं का नाम लेते हैं, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, और उसमें यहाँ के पुलिस पदाधिकारियों को इन्वॉल्व करके रखा है, उनको डर दे दिया है कि तुम अगर शराब पीने वाला को या रखने वाला को नहीं पकड़ोगे तो तुमको हम काम नहीं देंगे, इसलिए वो लोग उसी में लग गए हैं। और यही कारण है कि ये सब पर कोई ध्यान नहीं। दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष ने बहुत स्पष्ट कहा कि जब सेवा संकल्प एवं विकास समिति NGO है उसके माध्यम से जब ये काम हो रहा था तो उसमें टर्म कंडीशन है, 4-5 टर्म कंडीशन है, जिसका 2-3 महीना पर एक मॉनिटरिंग होता है, ऑडिटिंग होता है। अगर वो हुआ है तो उसका रिपोर्ट सरकार प्रकाशित करे या सार्वजनिक करे, और उसमें भी ADG न्यायालय के लोग भी रहते हैं और लोग रहते हैं, तो हाँ जो भी हो तो उसमें अगर करते हैं लोग तो उसका सामने आना चाहिए, आ करके लोगों को बताना चाहिए कि भाई आखिर इतने दिन से घटना चल रही थी तो उसको रोकने के लिए आपने क्या किया। हम सही बात करते हैं कि हम नेता प्रतिपक्ष के व्यू से एकदम सहमत हैं कि इन सब बातों को देखते हुए यही लगता है कि बिहार सरकार निष्पक्ष जांच नहीं करा पाएगी और इमीडिएट होना चाहिए। जब 22 की घटना है, 22 अप्रैल की घटना है, तो फिर 31 मई को जब FIR हुआ तो इन बिटवीन में जो सारी बातें हुई है और जिस ठाकुर महामहिम ठाकुर जी का जो संबंध और सानिध्य बताया गया है, कल भी विधान परिषद में फोटो दिखलाया गया है, बड़े बड़े रसूखदार के साथ उनका फोटो है, और ट्रांसफर पोस्टिंग भी वो कराते रहे, और उनके पिताश्री भी महान व्यक्ति थे, वो अपने पिताजी का वरद पुत्र हुए कि वो कुछ करते थे इसी ढंग का, उससे ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो कहने का मतलब वो हैबिचुअल ऑफेंडर रहे हैं और इस तरह की व्यवस्था में वो लीन रहे हैं, जिसकी चर्चा आम जन में भी है। और अगर कोई किसी प्रकार का अगर इसमें होता मानदंड तो जहाँ पर हम लोग गए हैं वहाँ पर कोई भी आदमी को रहने का तो स्थान है ही नहीं हो, वहाँ पर जो स्वच्छ वातावरण में जिसको कहा जाए सवासिन को रखना पड़ता है या अल्पवास के लिए किन्हीं को जो प्रताड़ित होते हैं उनको रखा जाता है, तो उनको रखने का कोई जगह नहीं है। और फिर ठीक ही कहा गया, अगर है वहाँ पर तो फिर अबॉर्शन का इंस्ट्रूमेंट रहने का क्या उचित है, ये सब स्पष्ट हो रहा है। और एक चीज़ और हम करना चाहते हैं, जो TV में आप लोग देख रहे होंगे, जिस दिन वो गया खुदाई के लिए, हम देखा कि एक बच्ची को सीनियर SP पकड़ करके और पीछे से भी एक आदमी को इतने पकड़ करके आगे वो बढ़ना चाह रही थी, उसको जबरदस्ती वहाँ पर बैठाया गया है, और जहाँ पर बैठाया गया वहीं पर खुदवाया गया। कहने का मतलब वो लड़की कुछ और जगह जाना चाहती थी,
जहाँ लाश गड़ी हुई है वो जानती थी, लेकिन ये जबरदस्ती वहाँ पर बैठा दिया गया, वो टीवी में है, आप लोग भी इसको बात कीजिए, गौर से देखिए कि उनको जबरदस्ती बैठा दिया गया है लड़की को वहीं पर। यही साबित करता है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन भी इस कांड को छिपाने और लिपापोती करने के दृष्टिकोण से बहुत कारगर है, काम कर रहा है। तो इसको भी सीबीआई जांच करे, कोई भी जांच करे, आप हम मीडिया को भी कहना चाहते हैं कि उस दिन का जिस दिन जेसीबी लगा हुआ है खुदाई करने के लिए, तो लड़की को जो लिया जा रहा है, लड़की मुंह बांधे हुई है और उनको एसएसबी पकड़े हुए है और पीछे से भी है, तो जबरदस्ती उनको बैठाया गया वहाँ, क्या साबित करता है? हाँ, जो रहा हम तो देखा ही है, जो रहे, लेकिन उसको वहाँ बैठाया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जहाँ जाना चाहती था लड़की को वहाँ नहीं जाने दिया गया, लाश इसका मतलब कहीं पर है और वहाँ पर नहीं जाने दिया गया और बैठा दिया गया और खोदा गया, तो वहाँ पर क्या कुछ सही नहीं था तो मिलेगा क्या? इस चीज को भी वेंटिलेट करना चाहिए और इस आधार पर हमको लगता है कि सरकार हर हालत में, क्योंकि रसूखदार ठाकुर जी रहे हैं और सबसे उनका कनेक्शन रहा है जिसकी चर्चा हुई है, वो जाँच तो हुई ही है, लेकिन इस कांड की जाँच हर हालत में सीबीआई करे और माननीय न्यायालय उसका मॉनिटरिंग करे, तब हम समझते हैं कि शायद न्याय मिल जाएगा। और सिर्फ मुजफ्फरपुर की बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि बिहार में सभी जहां जहां वो जो टाटा संस्था वाले लोग जो ये किए हैं, रिपोर्ट दिए हैं, सब जगह इस प्रकार की जांच होनी चाहिए, तो बिहार में ऐसा स्कैंडल निकलेगा, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में तो कम से कम इस प्रकार की कोई बात नहीं रहेगी। और इस चीज़ में अगर थोड़ा भी संवेदनशील सरकार है तो उनको खुद रिजाइन कर देना चाहिए, और नहीं तो भारत सरकार को संज्ञान में लेकर के यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, हम ये मांग करते हैं। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क, आपसे गुजारिश है यूट्यूब पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।